लोग गाइस फिर से हम आ गए अपनी वही पुरानी अभ्यास पे, हो नहीं पा रही पूरी, क्या बात है पता नहीं। तो हम 11वां सवाल कर रहे हैं फिर से। 11वां सवाल हमारा दे रखा है कॉस इनवर्स 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। पिछली बार भी रह गई थी, दो तीन बार में ये पूरी हो पा रही है, पता नहीं क्या हो रहा, कुछ गलती हो जाती है फ़ोन में कुछ। तो वाई बराबर, तो हमारा दे रखा है वाई बराबर कॉस इनवर्स एक्स और वन माइनस के एक्स इसके वन प्लस के एक्स, इसे हल करेंगे हम। वाई बराबर हमें ये हमारा, अगर हम इसमें टेन थीटा रखेंगे तो हमारा टेन वाला सूत्र बन जाएगा। तो माना एक्स बराबर टेन थीटा, और जब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स ये प्राप्त हो जाएगा हमारे, जब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो टेन इनवर्स एक्स, टेन एक्स बराबर हम टेन थीटा इसमें रख देंगे। तो कॉस इनवर्स वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका सूत्र बनेगा, वाई बराबर कॉस इनवर्स, ये किस सूत्र बनेगा कॉस टू थीटा का, कॉस टू थीटा का सूत्र में कॉस से कॉस कैंसिल, वाई बराबर टू थीटा आ गया। तो हम इसको वाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, हमारे जैसे मान रखा था हमने यहाँ पर थीटा बराबर वो रख दिया। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे भाई पुराना अवगन करने पर, तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर टू वाई ले लेंगे। तो इसका आपको पता ही है, जैसे वन अपॉन के वन प्लस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका अपॉन टेन इनवर्स एक्स का। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर हमारा आएगा दो बटे वन प्लस के एक्स स्क्वायर। काफ़ी आसान तरीका से हो गया हमारा ये सवाल। अगली बार हमारा आ गया बारहवा करेंगे हम, बारहवा सवाल कर रहे हैं। बारहवा दे रखा हमारा वाई बराबर साइन इनवर्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन के वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये सवाल दे रखा है हमारा। तो इसमें भी अगर हम वो ये पुराना यही प्रोसेस है, तो इसमें भी हम टेन थीटा रखेंगे तो हमारा सूत्र बन जाएगा। तो हल करेंगे वाई बराबर साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा बराबर टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया हमारा। तो हम जब रख रहे हैं यहाँ पे वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, वन माइनस के टेन स्क्वायर थीटा ये रख दिया हमने अपॉन के वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो ये किसका सूत्र बन गया, साइन टू थीटा का, क्योंकि हमें ये साइन टू थीटा का भी सूत्र होता है कॉस टू थीटा का, जैसे यहाँ दे रखा है वही प्रोसेस है, हमारी ये साइन टू थीटा का भी सूत्र होता है और कॉस टू थीटा का भी। तो वाई बराबर साइन इनवर्स साइन टू थीटा, साइंस कैंसिल तो साइन टू थीटा वाई बराबर। तो हम वही रखेंगे वाई बराबर टू टेन इनवर्स एक्स, इसका एक्स वाई के साथ एक्स के साथ अवकलन करेंगे, एक्स के साथ जब अवकलन करने पर तो वही होगा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर टू वाई लेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स का करेंगे वही है टू अपॉन के वन प्लस के एक्स स्क्वायर, वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक प्रोसेस होती है कि इसका जो अवकलन होता है इसका, जैसे बताया था मैंने ये भी कॉस टू थीटा का ही होता है और साइन टू थीटा, लेकिन साइन टू थीटा में इसे माइनस का होता है बस, ये माइनस में होता है बस। तो ये जहाँ माइनस आ जाएगा तो ये माइनस का, बस इतना माइनस, इतना हमारा उत्तर हो गया। और हमारा अगला सवाल दे रखा है ये वाला 13वां दे रखा है वाई बराबर ये 13 करेंगे वाई बराबर कॉस इनवर्स टू एक्स अपॉन के वन प्लस के एक्स स्क्वायर। तो वही है, इसमें भी अगर हम रखेंगे टू तो ये भी हमारा टेन थीटा रखेंगे इसमें भी हम, तो वही हमारा सूत्र प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स बराबर टेन थीटा और थीटा की वैल्यू लगा देंगे तो टेन इनवर्स एक्स। तो वाई बराबर कॉस और टू टेन थीटा अपॉन के वन प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, वाई बराबर इसमें कॉस, और ये किसका सूत्र बनेगा साइन टू थीटा माइनस
वो साइन माइनस नहीं, इसमें प्लस ही होगा, ये साइन टू थीटा का जी सूत्र होता है, साइन टू थीटा, तो ये साइन और ये कॉस ही साइन, तो कैसे होगा, तो इसे चेंज कर लेंगे हम। चेंज कैसे होता है हमारा, पाई बराबर कॉस इनवर्स, ये आ जाएगा कॉस में चेंज करेंगे तो पाई बटे दो थीटा, ऐसे होगा पाई बटे दो, क्योंकि हमारा पाई बाई टू 90 में चेंज होता है और इस तरह चेंज हो जाएगा, तो कॉस से कॉस कैंसिल, पाई बराबर पाई बाई टू माइनस के टू थीटा, तो थीटा की जगह हमने मान रखा था ये वाला, तो वाई बराबर पाई बाई टू माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स, ये रख देंगे तो हमें एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देते हैं। अवकलन करने पर एक्स के सापेक्ष यहाँ कर रहे हैं, एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन, एक्स के सापेक्ष वाई बराबर, तो वाई वाई हो जाएगा डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर, ये पाई बाई टू का करेंगे हम, डी वाई ओवर डी एक्स पाई बाई टू, और ये माइनस टू बाहर ले लेंगे, और डी वाई ओवर डी एक्स और टेन इनवर्स एक्स का, ये टेन इनवर्स एक्स का, तो हम करेंगे पाई बाई टू का ये हमारा जब तो जीरो हो जाएगा, ये माइनस के टू टेन इनवर्स एक्स का में वन प्लस के वाई टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर आ जाएगा हमारा माइनस के दो बटे वन प्लस के एक्स स्क्वायर, ये हमारा उत्तर है सवाल। अगला सवाल हमारा दे रखा है 14, 14 सवाल कर रहे हैं हम, 14 का सवाल करेंगे हम, तो ये दे रखा है वाई बराबर साइन इनवर्स टू एक्स वन माइनस के एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट, ये दे रखी है हमारी, तो हम ये सवाल कर लेते हैं, ये दे रखा है हमारा वाई बराबर, हल करेंगे इसे वाई बराबर, तो इसमें भी हम मानना पड़ेगा, इसमें भी हम मानना पड़ेगा वाई बराबर, इसमें हम अगर हम इसमें टेन मानते हैं तो हमारा ये सूत्र नहीं मानेगा, तो इसमें हम मानेंगे साइन, क्योंकि हमारे साइन में यहाँ फिर साइन रखेंगे तो यहाँ कॉस का सूत्र हो जाएगा, तो एक्स बराबर साइन थीटा मानेंगे, और जब हम थीटा की वैल्यू करेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, वाई बराबर रखेंगे साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और रूट में देखिए, तो वन माइनस के साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा होता है वन माइनस के साइन स्क्वायर, तो टू साइन थीटा और ये जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, वाई बराबर साइन इनवर्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आ गया, तो ये टू साइन थीटा और कॉस थीटा किसका सूत्र है, साइन टू थीटा का है, साइन टू थीटा का सूत्र पिछले सवालों में हम करते आ रहे हैं, तो ये साइन इनवर्स और साइन साइन कैंसिल, वाई बराबर साइन टू थीटा, सिर्फ टू थीटा वाई बराबर, तो वाई बराबर हमने थीटा बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स, तो टू साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, अवकलन करने पर तो डी वाई अपॉन के डी एक्स बराबर, टू वाई ले लेंगे डी वाई अपॉन के डी एक्स साइन इनवर्स एक्स का करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है डी वाई ओवर डी एक्स बराबर होता है इसका, तो वन बटे वन माइनस के एक्स इसके अंडर रूट, तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका आ गया दो बटे वन माइनस के एक्स इसके रूट में, ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया। लास्ट और अंतिम सवाल हमारा रह गया है, लास्ट और अंतिम 15वां सवाल, ये दे रखा है 15वां सवाल, 15वां सवाल ये दे रखा है वाई बराबर सेक इनवर्स वन बट टू एक्स स्क्वायर माइनस के वन, ये दे रखा है 15वां सवाल, वाई बराबर सेक इनवर्स वन बट टू एक्स स्क्वायर वन, तो इसमें अगर हम टेन माने या कॉट माने या साइन माने तो हमारा सूत्र नहीं बनेगा,
तो इसमें हम मानेंगे कॉस, क्योंकि कॉस हमारे 1/1 का कॉस क्या होता है, सेक, तो हम उसी हिसाब से मान लेंगे सेक इनवर्स। या मान लेते हैं एक्स बराबर कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू लगा लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स, तो यहाँ रखेंगे 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये किसका सूत्र है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो मैं लिख रहा हूँ वाई बराबर सेक इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये किसका सूत्र है, कॉस 2 थीटा का, 1/2 कॉस 2 थीटा का सूत्र, क्योंकि हम वो लगाते हैं ना सूत्र, तो ये कॉस 2 थीटा का सूत्र है, तो 1/2 कॉस 2 थीटा क्या होता है, सेक, सेक 1/2 कॉस 2 थीटा होता है सेक थीटा, सेक 2 थीटा, सेक से सेक कैंसिल बराबर 2 थीटा, तो वाई बराबर हमने क्या मान रखा है इसमें, और थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स, तो इसका भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे अवकलन करने पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2 वहाँ ले लेंगे डी वाई पॉन के डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2 1/1 इसका होता है माइनस में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, बिल्कुल साइन और कॉस का सेम होता है डिफरेंस ही, लेकिन इसका माइनस में होता है, तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस का 2/1 माइनस के एक्स स्क्वायर। ये हमारे इस सवाल का उत्तर हो गया है, 2-3 बार में हमारी ये बस कंप्लीट हो पाई है, काफ़ी देर में पूरी हो गई है। थैंक यू फ्रेंड्स।